स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जी सभी में। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लोअर शिफ्ट जो आज के डेट में हुई है, शिफ्ट फर्स्ट की सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन के डिटेल्स यहाँ लेके आ गए हैं। ढेर सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन का सेक्टर भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन से, किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। फ्रेंड, लगभग काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है जिनके थ्रू ये सारे क्वेश्चन पता चल पाए हमको, और साथ ही साथ मैं पूरे सेक्टर यहाँ पे बताऊंगा। तो फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने फटाफट इसको बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को अगर नहीं किए हो तो जरूर करके जाइएगा। तो फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यूपी दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आपका आपको पता होगा 24 जनवरी को होती है, संयुक्त प्रांत के रूप में यूपी कब था, तो आपको पता होगा 1937 से 1947 तक इसका या 50 तक इसका था, तो 1937 शायद ऑप्शन में था। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए नए और पुराने बांध को लेकर कि वो किस नदी पे बना गया, खास करके वो यूपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था यूपी से इमामबाड़ा कहाँ पे है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन खाद्यान्न से था। बजट से क्वेश्चन इसमें बहुत कम देखने को मिला, किसी कोई कह रहा था कि ये क्वेश्चन आया है, कोई कह रहा था शायद क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, तो बजट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए। तो लेकिन ये जो कोर सेक्टर है उसको प्लीज़ पढ़ के जाइए, यूपी से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे देख रहे थे करंट इवेंट से क्या था, तो करंट से क्वेश्चन 6 से 7 या 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, फुटबॉल रैंकिंग में पूछा गया था फर्स्ट देश कौन सा है, साथ ही साथ आप यूपी इंडिया का पढ़ के भी जाइएगा। एक क्वेश्चन ये भी था कि रिलायंस का किस कंपनी से वॉइस कॉलिंग के लिए टाइप हुआ है अभी हाल ही में, अफ्रीकी देश जो न्यूज में थे अभी उनको पूछा गया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि राष्ट्रपति जी गए थे 3 दिवसीय की यात्रा पर, तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। यूएई का सम्मान मोदी जी को दिया गया है, तो शायद ये भी क्वेश्चन था, या अगर उसके पहले का कोई होगा तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से था एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि रणजीत सिंह वीएस अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुआ था वो संधि कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था वेल्लोर का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन था वेल्लोर का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट आपका सबसे पहले पोस्ट ऑफिस कब और कहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। तो रेलगाड़ी सबसे पहले कब और कहाँ चली, ये भी मार्लो मिंटो सुधार सा डेट भी पूछा था और सेक्टर भी पूछा था किस क्षेत्र से रिलेटेड था, तो ये आपको पता ही होगा 1909, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका चंद्र बरदाई से क्वेश्चन पूछा था कि चंद्र बरदाई किस काल में, रीत काल मध्यकाल, लोग स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे करके ऑप्शन था। तो आगे बढ़ लेते हैं और सारे सेक्टर को देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा है, और ना ही मिलता है तो वो जमा हो जाते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन लोगों को याद है उन्होंने बताया। तो एक क्वेश्चन था आर्य समाज की स्थापना, कुछ कॉमन शब्द जैसे बौद्ध जैन इन सब चीजों से था, तो एक दो क्वेश्चन थे वहां से। नेक्स्ट देख लेते हैं विज्ञान से, विज्ञान में विटामिन और रोग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज 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 इसको जरूर पढ़ के जाइए। 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं साथ ही में, विटामिन रोग, साथ ही साथ स्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन का है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, पोषक तत्व विटामिन से संबंधित जो भी था, ये सारे क्वेश्चन कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। SI यूनिट पूछा जा रहा है, थोड़े आसानी थे, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। उष्मा का मात्र पूछ लिया गया था, अमीबा का संघ पूछा गया था शायद क्वेश्चन में, शरीर में प्रोटीन का भंडारण कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिक से प्रश्न पूछा था, और हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम टाइट्रियम ड्यूटेरियम देके शायद क्वेश्चन पूछा था कि वो किसका है, तो ये क्वेश्चन था आपका किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदी से देख लेते हैं फ्रेंड्स, हिंदी और मैथ। हिंदी आसान थी, लेकिन थोड़ा सा मैं सेक्टर बता दे रहा हूँ आपका, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, शुद्ध अशुद्ध, स्पेलिंग चेक, और आपका एक पैराग्राफ साथ में क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था पेपर, तो एक दो तीन क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। मैथ देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैथ अगर आपने किया तो सॉलिड ही होगा आपके लिए, तो ये सेक्टर जरूर देखे जाइएगा। नल तथा टंकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मतलब बढ़ा के उनका लेवल बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थे, अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, गोला अर्धगोला, तो इनका जो बेसिक फार्मूला होता है एरिया का और वॉल्यूम का, आयतन वगैरह का, तो ये चीज़ जरूर पढ़ के जाएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। त्रिकोणमिति से किसी ने कहा कि 2-3 क्वेश्चन आते, किसी ने 4-5 क्वेश्चन बताया, तो लेकिन आप 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। सिंपल एंट्रेंस से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो मैथ इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे डाटा सफिशियंसी का रीजनिंग के आपके कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि टफ है पेपर, लेकिन फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा आप रिवाइज करके जाओगे तो हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका डाटा सफिशियंसी से, जैसे आपको कथन निष्कर्ष मिलेगा, और डाटा सफिशियंसी में होगा कि आपको क्वेश्चन पूरा प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि इन उत्तर में से कौन सा प्रश्न संबंधित है, कौन सा प्रश्न उत्तर निकल जाएगा किस
मैराथन से उत्तर आपका निकल जाएगा। ये था डिस्टेंट डायरेक्शन से क्वेश्चन था, वो घुमा फिरा के थोड़ा सा। तो ये पूरे डिटेल्स में थे फ्रेंड्स, जो मैंने कोर सेक्टर बताया उसको जरूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेकंड मीटिंग का भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स और पूरी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।